अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, हम आज अपना एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं, जिसका मैंने कल बेसिक सिखाया था आपको क्या क्या करना है। आज देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस चीज़ का, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। इसमें हमें क्या करना है, न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनका न्यूमेरल लिखना है। जैसे कि ए पार्ट आप देख लेना, एक पार्ट को अच्छी तरह से। ए पार्ट में लिखा हुआ है 4629, यानी शुरू कहाँ से हो रहा है, थाउजेंड से शुरू है, इसलिए हम थाउजेंड के प्लेस पे फोर लगा देते हैं, 4000। उसके बाद 600, हंड्रेड के प्लेस पे सिक्स है तो 600 लगा देते हैं। उसके बाद क्या है, 620, यानी टेंस के प्लेस पे टू है, 20 का मतलब टू हो गया, और वंस के प्लेस पे कितना है, 9 है। तो ए पार्ट का आंसर ये आ जाएगा, क्या आ गया देखो, 4000 यानी थाउजेंड के प्लेस पे 4, 600 यानी हंड्रेड वाले प्लेस पे 6, 20 यानी टेंस वाले प्लेस पे 2, और 9 यानी वंस वाले प्लेस पे 9। बी पार्ट देख लो, 9270 बी पार्ट। बी पार्ट हमारे पास क्या है, 9000 यानी थाउजेंड वाले प्लेस पे कितना है, 9 है। 200, हंड्रेड वाले प्लेस पे कितना है, 2 है, हंड्रेड वाले प्लेस पे 2। 70 यानी 70 का मतलब हुई है कितना, टेंस वाले पे 7 है, और हमें वंस वाला कुछ बोला नहीं है, इसलिए वंस वाले प्लेस पे हम 0 लगा देंगे। 70 का मतलब क्या हो गया, टेंस वाले प्लेस पे 7, लेकिन वंस वाले प्लेस पे कुछ बोला नहीं है, इसीलिए हम 0 लगा देंगे। तो इसका क्या हो गया, देखो फिर से देख लो, 9000 यानी थाउजेंड वाले प्लेस पे 9, 200, हंड्रेड वाले प्लेस पे 2, देखो मैंने हंड्रेड वाले प्लेस पे 2 रखा हुआ है। उसके बाद कितना है, 70 यानी 10 वाले प्लेस पे 7 है, वंस वाले प्लेस के बारे में कुछ बोला नहीं है, इसलिए 0 लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बी पार्ट। सी पार्ट देख लेते हैं, सी पार्ट हमारे पास क्या है, 3048, 3000 यानी थाउजेंड वाले प्लेस पे 3। अब हंड्रेड वाला प्लेस बोला नहीं है, इसने हंड्रेड के बारे में कुछ नहीं बोला, तो थाउजेंड के बाद हंड्रेड आना चाहिए था, हंड्रेड कुछ बोला नहीं है तो मैं 0 डाल दूंगा। उसके बाद ये 40 यानी 10 पे कितना है, 4 है, 40 का मतलब 10 पे 4, एंड वंस वाले के बारे में इसने 8 बोला है, तो वंस वाले प्लेस के बारे में 8। देखो जो वहाँ पे 100 नहीं लिखा होगा, 1000 नहीं लिखा होगा, तो आप वहाँ पे 0 लगा दोगे, ठीक है, ऐसे आपको लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। डी पार्ट देख लो, 8000 यानी 1000 वाले प्लेस पे कितना है, 8, 1000 वाले प्लेस पे 8 है, 200, 100 वाले प्लेस पे कितना है, 2, और उसके बाद दो प्लेस बचने चाहिए थे, एक टेंस वाला प्लेस एक वंस वाला प्लेस, होता है ना, 1000 के बाद 100, 100 के बाद क्या होता है, टेंस, टेंस के बाद कितना होता है, वंस होता था। इस टेंस के बारे में भी नहीं बोला है 0, और वंस के बारे में भी नहीं बोला है 0, ठीक है, जो नहीं बोला होगा उस पर हम 0 लगा देंगे। तो ये हो गया कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आइए बढ़ते हैं इस वाले पार्ट को देखते हैं। तो इस वाले पार्ट में देखो, ए पार्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा का, ए पार्ट, ए पार्ट में हमारे पास नंबर दिया है 2784, यही है नंबर। तो सबसे पहले देखो, ये थाउजेंड से शुरू होगा, तो थाउजेंड के प्लेस पे 2000 है, 2000 आप आराम से देख सकते हो। आपको कैसे करना है एक बार देख लेना है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड कहाँ तक जा रहा है। अगर थाउजेंड तक जा रहा है तो आप बोलोगे ये वाला डिजिट थाउजेंड का, ये वाला डिजिट थाउजेंड का, ये वाला डिजिट हंड्रेड का है, ये वाला डिजिट हमारे पास क्या है, टेंस का, ये वाला डिजिट हमारे पास वंस का है, ठीक है। तो देखो थाउजेंड वाले पे 2 है, इसलिए मैंने 2000 लिख दिया। आप हंड्रेड वाले पे कितना है, 700 है, हंड्रेड वाले पे कितना है, 700, HUNDERED, 100। देखो हमारे पास क्या आया, 100 आ गया, 700। अब 80, क्योंकि टेंस वाले पे 8 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ATEIGHTY 80, और वंस वाले प्लेस पे 4 है, FOUR 4, 84, ठीक है। अब आराम से पता चला है कैसे लिखना है, अब आगे बढ़ते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास क्या है, 6803 है। देखो सबसे पहले फिर से गिनो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेंस वाले प्लेस पे कुछ भी नहीं है, इसलिए 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से थाउजेंड से शुरू करो, तो 6000, थाउजेंड पे कितना है, 6 है, 6000 हो गया, थाउजेंड पे 6 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 6000 के बाद 800 है, हंड्रेड वाले प्लेस पे 8 है, सबको नजर आ रहा है हंड्रेड वाले प्लेस पे 8, तो 800 लिखो, EIGHT 8, HUNDERED 800। अच्छा 800 के बाद टेंस वाले पे कुछ भी नहीं है, तो हम टी वाला नहीं लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, वंस वाली प्लेस पे 3 है, तो ये हो गया 3। तो हमें क्या पता चला, इसका क्या आएगा, 6803 आएगा। सी पार्ट देख लो, सी पार्ट में क्या देखो, 8008 है ना, तो वंस वाला प्लेस ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया हंड्रेड, ये हो गया थाउजेंड, तो थाउजेंड तक जा रहा है,
तो पहला नाम हमारा थाउजेंड वाले का आएगा। थाउजेंड वाले का क्या आएगा देख लो, एट थाउजेंड, थाउजेंड वाले पे एट है इसीलिए एट थाउजेंड, एट थाउजेंड लिखा थाउजेंड। हंड्रेड वाले पे कुछ भी नहीं है इसलिए हंड्रेड नहीं लिखना है। टेंथ वाले पे भी कुछ नहीं लिखा इसलिए टी या टी नहीं लिखना है। सिर्फ उसके बाद सीधे लिखना है एट, एट थाउजेंड एट लिखना है। ई आई जी एच टी एट, आराम से समझ में आएगा। जो प्लेस नहीं है वो यहाँ पे भी नहीं होगा, जैसे कि थाउजेंड के बाद हंड्रेड होना चाहिए था लेकिन हंड्रेड पे तो जीरो है इसलिए मैंने हंड्रेड नहीं लिखा। उसके बाद टी, जो टेंस होता है ना जिसको हम टी लिखते हैं, वो टी होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे टेंस का कुछ है नहीं तो हमने नहीं लिखा। लास्ट में डी पार्ट, डी पार्ट हमारे पास क्या है, फाइव 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 फाइव, इसका क्या आएगा देखो। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो थाउजेंड से शुरू होगा, थाउजेंड वाली प्लेस पे फाइव है तो फाइव थाउजेंड लिखोगे, फाइव थाउजेंड यानी थाउजेंड वाली प्लेस पे फाइव है। उसके बाद हंड्रेड वाली प्लेस पे फिर फाइव है तो क्या लिखोगे, फाइव हंड्रेड, फाइव हंड्रेड, फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड हो गया। उसके बाद टेंथ वाली प्लेस पे कितना है, फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड, टेंथ वाली प्लेस पे फिर से फाइव है तो हम फिफ्टी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे फिफ्टी, और लास्ट में हमारे पास फाइव है तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 5550 हमारा इसका आंसर हो गया, यहाँ तक रखते हैं, कल हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। अब तीसरा आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, तीसरा जो हमने कल डिस्कस किया था वो वाला है, ठीक है। कैसे आएगा देखो, थर्ड वाला मैं आपको एक बार सिखा दूंगा। सबसे पहले वंस वाले में, वंस वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो वंस वाले में क्या आंसर आ जाएगा। वंस वाले में देखो वन टू थ्री फोर फाइव, वंस वाले में कितने फाइव है, फाइव वंस वाले, ये वंस का मतलब वो एक 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 माचिस की तीलियाँ कितना, ये भी एक है, 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 तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फाइव लिखोगे। यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट डिश में फाइव आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट देख लो, जो डब्बा बना हुआ है इस तरह से, यहाँ पे डब्बा इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। डब्बे को आप कैसे फिल करोगे, वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड, मान लो ये वन से, ये टेन से, या हंड्रेड है और ये थाउजेंड है, ठीक है। देखो यहाँ पे वंस वाले कितने, वन टू थ्री फोर फाइव, तो पहले में फाइव आ गया क्योंकि एक एक तीलियाँ पाँच है। तो हंड्रेड वाले देखो, थाउजेंड वाले में कुछ है, टेंथ वाले में कुछ भी नहीं है, टेंथ वाला नहीं, ये हंड्रेड वाला है, ये एक हंड्रेड वाला है, दो हंड्रेड वाला, तो टेंथ वाला कुछ भी नहीं है तो टेंथ वाले में हम जीरो डाल देंगे। टेंथ वाला डब्बा जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। हंड्रेड वाले कितने, एक दो, दो हंड्रेड वाले यानी ये हंड्रेड वाला डब्बा, इसमें कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा हंड्रेड वाले डब्बे। और थाउजेंड वाला वन टू थ्री, तो थाउजेंड वाले कितना है, थ्री है, तो आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ पे फाइव आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ टू आएगा, यहाँ थ्री आएगा। इसी तरह इसको देख लो, इसमें आप खुद करोगे, यहाँ पे क्या होगा, वंस वाले में जीरो क्योंकि कोई वंस वाला नहीं है, तो टेंथ वाले में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो टेंथ वाले में आप क्या लिखोगे, सेवन। आगे हंड्रेड वाला कोई नहीं है, ये थाउजेंड वाला है तो हंड्रेड वाले में भी जीरो लगा दोगे, और थाउजेंड वाला, थाउजेंड वाले में वन टू थ्री, तो थाउजेंड में कितना हो, थ्री। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप कल इसको कंप्लीट करोगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप कल आराम से कर देना, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर थर्ड।